तीन टाइम में झूठ बोलना तो वैसे ही हलाल है, कौन से तीन टाइम में आइए देखते हैं। फॉर ब्रिंगिंग रिकंसिलिएशन अमंग द पर्सन एंड द नरेटर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हस्बैंड टू हिज वाइफ एंड द नरेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ वाइफ टू हस्बैंड इन अ ट्विस्टेड फॉर्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिकंसिलिएशन फ्रॉम देम। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी मोटी है, काली है, भद्दी है, वो तैयार होके आती है पप्पू बच्ची बन के और आपसे पूछती है मैं पप्पू लग रही हूँ। आप बोले माशाल्लाह इतनी पप्पू बच्ची मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। बस बात खत्म, पैसा हजम, बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं क्योंकि इससे आपकी बीवी खुश होगी। ये मशहूर हदीस के ताल्लुक से है जिसके अंदर आता है कि तीन टाइम में झूठ बोलना अलाउड है। हाँ तो चलिए शेख शाबान आप जवाब देना चाहते हैं। जिस पॉइंट को इस वीडियो में हाईलाइट किया गया है और जिसपे बड़ा मजाक किया गया है और जिसकी हंसी भी उड़ाई गई है वो ये है कि इंसान अपनी बीवी से उसको खुश करने के लिए झूठ बोले। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं ना कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलने का क्या मतलब है। क्या बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलने का ये मतलब है कि उसका कोई हक हकूक है वो भी मार लो, क्या ऐसा कुछ है? तो ऐसा नहीं है। मुहद्दिसीन जो हैं और हदीस के जो शारहीन हैं उन्होंने बताया है कि इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब सिर्फ इजहार मोहब्बत है। रह गया धोखा देना, बीवी को धोखा देना उसको खुश करने के नाम पर, उसको खुश करने के नाम पर कोई झूठा वादा करना, उसको खुश करने के नाम पे उसके हुकूक में कोई जो है डंडी मारना, तो ऐसी कोई चीज यहाँ मुराद नहीं है। सिर्फ बीवी और मियाँ जो हैं ये दोनों इजहार मोहब्बत में एक दूसरे के लिए झूठ बोल सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे एक मिसाल तो ये भाई साहब ने खुद ही दे दिया है जिसका मजाक उड़ाया है कि भाई अपनी बीवी को कोई कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, अब जाहिर सी बात अच्छा। है बीवी पता नहीं बहुत अच्छी है कि नहीं है, लेकिन भाई उससे मोहब्बत है ना। अब जिससे मोहब्बत होती है उसको अच्छी लगती ही है। अब अगर मान लीजिए मुकाबले हुस्न के पैमाने पर बेचारा वो अपनी बीवी को रखेगा तो ना तो उसका फिगर उस पर फिट बैठेगा, ना तो उसकी नाक फिट बैठ रही है, ना तो उसकी आंख फिट बैठ रही है, मगर मोहब्बत है ना बीवी से, मोहब्बत है बीवी से। अब वो जो पैमाने हैं हुस्न के उस पर तो बीवी बेचारी नहीं उतरती है। अब पता चला वो रियल रियल पे आ जाए तो उसकी नाक का पैमाना जोड़ने लगे, उसकी आंख का पैमाना जोड़ने लगे और बोले कि नहीं नहीं वो जो हुस्न के पैमाने है ना, खूबसूरती के पैमाने है ना, उस पर तुम पूरी नहीं उतरते तो हो गई रियल बात, लेकिन मुझको अपनी बीवी से मोहब्बत है, क्या प्यारी लग रही है माशाल्लाह, यार इतनी बेहतरीन बात का कोई मजाक उड़ा सकता है? तो बहरहाल ये तो एक बात हो गई। अब मैं जो जवाब दे रहा था वो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर बीवी ने बड़ी मेहनत से बेचारी ने खाना बनाया आपके लिए, दोपहर से वो लगी हुई है, हाँ और मेरा शौहर आने वाला है, मान लीजिए आज उसने कुछ स्पेशल मेहनत की है, बड़ी स्पेशल मेहनत की, आपको मालूम भी है उसकी मेहनत का, लेकिन चलिए ठीक है वो आप होटल जैसा जो चटपटा खा रहे थे वैसा नहीं है, थोड़ा सादा ही लग रहा है खाने में, या थोड़ा उसकी मेहनत के बावजूद उतना अच्छा नहीं बना है, तो यार उसकी मोहब्बत की कद्र करनी है, क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह ठीक तो है, इसमें कौन सी कमी है, यानी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे बीवी खुश भी हो जाए और कोई ऐसी झूठ की बात भी ना हो बहुत, और अगर हो भी तो वो इसी किस्म की हो जैसी मैं बता रहा हूँ, तो इसी को हदीस में बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना कहा गया है। ये हर समाज में है, हर अच्छे समाज में है, हर प्यारे समाज में है। अब इसको जो एक प्यारी चीज है, एक जो बेहतरीन चीज है और एक जो अच्छी चीज है उसको ऐब बता करके पेश करना, ये नादानी के सिवा कुछ और नहीं है। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है कि बीवी से झूठ बोलना उसको खुश करने के लिए। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ ना कि शरीयत ने जिन मामलात में जैसे बीवी को शोहर और शोहर से बीवी के आपस में जो गुफ्तगू होती है उन मामलात में असल में झूठ की इजाजत देके एक तरह से एहसान किया है, क्योंकि अगर इस मामले में भी ये पाबंदी लगा दी जाती ना कि इंसान झूठ ना बोले उस पर तभी भी झूठ बोलना हराम है, तो आप देखिए एक इंसान के लिए बहुत सारे मामलात में बहुत ऐसी सख्त हदबंदियां हो जाती और इतना उसको जंजीरों में जकड़ दिया जाता जहां जकड़ा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। भाई मैं तो ये कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू शायरी में जो है वो इतना सब कुछ जो लिखा गया है औरत के हुस्न पर, अगर सारे शायरों पे ये पाबंदी लगा दी जाए कि आपको कोई मुबालगा आमेजी नहीं करनी है और कोई आपको जो है ना वो एकदम सच सच ही हर बात बोलनी है, तो फिर शायरी तो शायरी ही नहीं रह जाएगी। और शायरी जो है वो इंसान की फितरत का इजहार होता है, उसके जज्बात का, जो उसके लतीफ एहसासात होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, जाहिर सी बात है फीलिंग्स के इजहार में तो कहीं ना कहीं मुबालगा आ जाता है और आदमी थोड़ा सा एक मोहब्बत का इजहार तो होता ही ऐसा ही है। तो अब मतलब ये कि अगर मैं अपनी बीवी को बोल दूं कि चांद तुम्हारे आगे फीका लग रहा है,
तो शरीयत ने हराम कर दिया है, तो ये तो फिर मेरी फितरत पर ऐसी जंजीरें जकड़ दी जाएंगी ना, जो मेरी जो मुझको मतलब बहुत मेरी फितरत के खिलाफ चली जाएंगी। तो ये तो शरीयत की इजाजत है भाई, शरीयत ने एक तरह से हम पर रहमत की है कि हमारी फितरत के तकाजे एक मियाँ बीवी को थोड़ा सा खुलने की एक दूसरे के साथ इजाजत देते हैं। तो शरीयत ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर क्योंकि तुम्हारी फितरत ये आजादी चाहती है, तो शरीयत ने भी तुमको इजाजत दी है, भाई खुलो अपनी बीवी से, बोलो उसको, उसके होठों को जो है वो अब गुलाब की नाजुकी से तशबीह दो, उसके चेहरे को चांद से तशबीह दो, उसके हुस्न जमाल की तारीफ में जमीन और आसमान की कलाबे मिला दो। औरत ये चाहती भी है, मैं मतलब एक्स मुस्लिम मर्द क्या बोल रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता कि वो औरतों के मिजाज से कितना वाकिफ है, पर अगर कोई एक्स मुस्लिम बहन मुझको सुन रही हो ना, तो मैं कम से कम आऊंगा, मैं चाहूंगा कि वो आए हमारे स्ट्रीम पे और हमारी इस बात की तायद करें कि भाई आप भी ये चाहती हैं कि आपकी तारीफ में इंसान सच की हदों को तोड़ करके आपसे मोहब्बत करने वाला आगे बढ़े और वो जो है ना मुबालगों के आखिरी हद पर जाए। अच्छा, इसमें एक बात, एक पहलू ये भी देखिए ना, इस तरह की तारीफ जब आदमी अपनी बीवी से कर रहा होता है तो बीवी भी ये नहीं सोच रही होती कि ये सब 100% सच बोल रहा है, यानी इसमें कोई औरत औरत को भी पता है ना, मतलब अगर औरत को मैं बोलूँ कि चांद तुम्हारे हुस्न के आगे फीका पड़ रहा है, तो आदमी औरत को भी पता है कि मैं मुबालगा ही कर रहा हूँ, उसको भी ये पता है कि मैं इसके उससे एकदम 100% सच नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे मामलात में सच बोल करके सिवाय इसके कि आदमी अपना मोमेंट खराब कर लेगा और अपना भी मूड खराब करेगा, बीवी का भी मूड खराब करेगा और कुछ नहीं होने वाला। भाई झूठ तो वो होता है ना जिसमें आप सामने वाले को धोखा दे रहे हैं और खिलाफ वाकया और खिलाफ हकीकत कोई बात कर रहे हैं, यहाँ पे बीवी को कोई धोखा नहीं दे रहा, बीवी को भी पता है कि इस तरह की बातें, ये इंसान की फितरत है, ये मुबालगा है। तो अब अगर कोई कम अकल आदमी, बेवकूफ आदमी इस तरह की बात, मतलब इनको मैं जाहिल तो समझता ही था, एक्स मुस्लिम जितने भी हैं या इस तरह के जो स्ट्रीम करने वाले, ये जाहिल होने के साथ इनका जौक और टेस्ट वो इतना गंदा, ये मुझे नहीं पता था कि इतनी बेसिक जो इंसान की नफ्सियात और साइकोलॉजी से मुताबिकत रखने वाली बात है, ये इतनी बात नहीं समझ सकते। मैं तो ये बात सुन करके ना, मुझे तो इसकी बीवी पर रहम आ रहा है कि बेचारा जो है ना वो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही बोलता होगा, जब बीवी पूछती होगी कैसी लग रही हूँ तो वो जो है ना वो ये उसका झूठ है, है, ये भी उसका झूठ है। मैं मतलब मुझको तो बोलने वाले सबसे बड़े झूठे ये तो हो सकता है कि ये झूठ, अगर झूठ है तो भी गलत है, और अगर ये सच है तब तो इस आदमी की बीवी जो है ना वो रहम के लायक है कि अगर ये इतना खरा सच अपनी बीवी के सामने भी बोल देता है तो। बस इतनी बात, ये बात भी मैं सबको बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये चीज का मतलब ये नहीं है कि धोखादेही कोई करे, हाँ हदीस के का ये मतलब नहीं है कि कोई अपनी वाइफ के साथ धोखादेही करे, चीटिंग करे, फ्रॉड करे, बोले बीवी के अलाउड है। तो देखिए ये एक हदीस आपके सामने है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखादेही करे वो हमारे मानने वालों में से नहीं है। यहाँ चीटिंग करना, फ्रॉड करना, बीवी को चीट करना, यहाँ पे ये बात नहीं है। ये हदीस हम देखते हैं जामिया तिर्मिजी में, हदीस सही है, बहुत मशहूर हदीस है। तो यहाँ पर ये बात इसके अंदर बिल्कुल नहीं है कि अहद तोड़ना, वादा तोड़ना, अहद पूरा नहीं करना, ये सब बातें नहीं हो रही। ऑब्वियसली ये लोगों को इतनी सिंपल सी बात कि भाई इस्लाम कोई कोई एक हदीस नहीं है, कोई एक आयत नहीं है, पूरा इस्लाम लो ना। अगर आप इस्लाम पे कुछ बोलना भी चाहते हो तो कंप्लीट इस्लाम तो लेके बात करो। आप अगर एक चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लो और बाकी का कॉन्टेक्स्ट छोड़ दो कि बाकी इस्लाम ने क्या सिखाया है, और फिर वो एक चीज को लेकर के अपने कंक्लूजन्स बनाओ, उसे रूल बताओ। रूल देखो, ये बात से भी गौर करिए कि ये तीन इस्तिस्ना एक्सेप्शन दिए हुए, यानी कि रूल क्या है, रूल क्या है कि तुम्हें झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। एंड्स डोंट जस्टिफाई द मींस, यहाँ पे क्या है कि जैसा बाज लोग अपने बोलचाल में रोज रोजमर्रा में मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं बोल के झूठ बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि उनको पता नहीं चलता है, पता होता है कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो ये वो लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या मामला है कि इसके अंदर एक्सेप्शन देकर के बताया गया कि ये सिचुएशन में एक्सेप्शन है, यानी जनरल रूल क्या है। कितनी सिंपल सी बात है कि ये सामने जब एक्सेप्शन तीन दिए हुए, यानी जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि आपको सच्चाई को ही फॉलो करना है, और यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर खास अलाउड है, वो भी एक इंसानी फितरत के अतबार से, नहीं तो वहां पर एक बहुत बड़ी मुश्किल और तंगी और डिफिकल्टी पैदा होती लोगों के लिए, और फिर लोग फुलफिल नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। जी शेख शाबान, आप इसके आगे जो दूसरा हिस्सा था उस पर कंटिन्यू कर रहे थे।